एग्जैक्ट वर्ड है, रॉबर्ट टी क्वेश्की साहब का है, उसी बुक से मैं एक आपको लाया हूँ जो उसमें एक एक डेफिनेशन दिया गया है कि आपके एक सक्सेसफुल लाइफ कौन इंसान बन सकता है, क्या होना चाहिए, जो आपका स्कूल नहीं सिखाएगा, जो सक्सेसफुल लोग हैं वही लोग ये सिखा सकते हैं आपको। और मैं थोड़ा सा आपको इस पर डिस्कस करना चाहूंगा, इस पॉइंट को समझिएगा। ये क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट हमारे लाइफ में होता है और हम लोग किसी ना किसी क्वाड्रेंट में रहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ई। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ई। ई स्टैंड्स फॉर इंप्लॉय। व्हेन वी आर इंप्लॉयड इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी क्वेश्की, मतलब ये सबसे दुखी आत्मा वाला क्वाड्रेंट है। ई वाला फर्स्ट वन। आप देखिएगा वहां लिखा है, ये स्लाइड आपको आ भी जाएगा कि यू हैव अ जॉब, टाइम इज इक्वल टू मनी, नो लिमिट। आपके पास कोई आजादी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप या हमारे एल्डर्स हमें क्या बोलते हैं? ई में आ, नौकरी करो, मिला नौकरी, राइट? ये बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी क्वेश्की और अकॉर्डिंग टू एवरी रिच पर्सन, वो इंप्लॉय है तो वो अमीर कभी नहीं बन सकता है, बिकॉज दे हैव नो लिवरेज। उनके पास कुछ है ही नहीं, अपना आजादी ही नहीं है। वो जितना घंटा काम करते हैं उसके घंटे का पैसा मिलता है, और ये गुलाम करते हैं। अगर आप अपने यहाँ घर बनाते हैं, लेबर आता है, आठ घंटा काम करता है, आप आठ घंटे का पैसा दिए, एक घंटा नहीं काम किया, आप 50 रुपये काटिए, इंप्लॉय तो वही है ना, आपका हिसाब तो यही होता है। अगर आप इंप्लॉय हैं तो यहाँ पे है कोई इंप्लॉय? सुना लगता है, आप ही है, आप ही ललिता जी भी है। माय डियर फ्रेंड, इस ग्रुप में होना उतनी बड़ी दुख की बात नहीं है। दुख तो अब आएगा कि हम इसी में रह के अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। हमने जिंदगी का सारे पुण्य कर्म किए थे कि नौकरी लग गई। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हम इंप्लॉय कैटेगरी में ही बने रहे। एवरीवन कैन स्टार्ट हिज और हर जर्नी विद द ई क्वाड्रेंट, लेकिन वहीं पे रुके हुए हैं, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। हमें अग्रसर होना चाहिए, हमें प्रगतिशील रहना चाहिए, हमें क्वाड्रेंट को चेंज करना चाहिए, और लास्ट टारगेट जो है हमें आई में पहुंचना है। मैं आई विल एक्सप्लेन इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट क्वाड्रेंट। अरे भवेश, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, बाद में घर जाके क्या करेगा? मजा यहीं पे लेगा, सब मुझसे ही लेगा मजा, यहाँ पे रहिए आप, देखिए ज्यादा समझ में आएगा। मेन ये समझिए, लिखना नहीं समझ में आएगा, फिर लिखिए कंफ्यूजन करो घर पे, आप फिर देखिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं समझा दूंगा तो समझ में आएगा, राइट? पहले समझ जाओ फिर लिखना आराम से। तो मैं कह रहा था कि इफ यू आर इन द ई, आवर जर्नी स्टार्ट्स विद द ई एज एन एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर इनकम वर्स रेसिडुअल इनकम। लीनियर इनकम में है आप या रेसिडुअल इनकम में है, या आप एक बार काम कर रहे हैं और उस काम के बदले आपको हमेशा पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। काम आप एक बार करें और उस किए हुए काम से आप बार बार पैसा कमाएं, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसी ने सवाल किया था कि ये मैं क्यों करूँ, ये भाग जाएगी, ये क्यों मैं करूँ, सिस्टम नेटवर्किंग में क्यों करूँ, तो बोलते हैं ना, उनको समझाना, ये सब काम मैं नहीं करेगा, उन्हें समझाना है क्यों करना चाहिए। मैं आप समझे रहेंगे तभी समझा पाएंगे ना। यस सर। आप ही नहीं समझे रहेंगे तो क्या समझा पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने आप को पहले समझाओ कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में आएंगे और कैसे आएंगे। अभी हम किस क्वाड्रेंट में हैं, वहां से जर्नी कहां तक जाना है, ये पहले खुद समझिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉर्पोरेट लोग जो ओनरशिप रहते हैं उनको ये ट्रेनिंग देता हूं मैं, जो ओनरशिप पे काम, मैं आपको मान के चल रहा हूं, यू ऑल आर द एंटरप्रेन्योर, यू ऑल आर द ओनरशिप, आप अपना ओनरशिप में काम कर रहे हैं, और इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। समझिएगा, तो जहां नहीं समझ में आए पूछिएगा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो आप जब इस क्वार्टर में आते हैं, जॉब पाते हैं,
100% मल्टीप्लाई बाय 1 एक आदमी का इनकम आपको मिलता है, यू इनटू जॉब इज इक्वल टू इनकम। इनकम का जो फार्मूला होता है आप मल्टीप्लाई बाय योर जॉब, वही आपको इनकम होता है। एंड द नेक्स्ट वन एस क्वाड्रेंट में कौन लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर हो गया अपना दुकान खोले गए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो अपने आप को बहुत संतुष्ट मानता है कि यार अपना खाते हैं, किसी का नौकरी नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो उस वाले से बहुत अच्छा स्थिति में है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ ई वाले से थोड़ा सा अच्छा है कि वो खुद का कम से कम मालिक है, राइट? लेकिन लाइन के इस क्वाड्रेंट में जितने लोग हैं वो परेशान आत्मा है, वो जिंदगी भर तक खुद खुश रहते हैं ना अपने परिवार को खुशी दे पाते हैं, वो हमेशा वो भागते ही रहते हैं। और आप फील कीजिएगा हमारे फादर इसी क्वाड्रेंट में थे, ई क्वाड्रेंट में। मुझे याद है कि मैं 3 दिन का भूख हड़ताल किया था आफ्टर पासिंग माय मैट्रिकुलेशन, तब जाके मुझे साइकिल मिला था, भूख हड़ताल किया था, जबकि वही बोले थे कि मैट्रिक में पास कर जाऊंगा तो मैं खड़ा हूँ। अब आज लड़ गए थे, अब मैं समझता हूँ पलटे नहीं थे, एक्चुअली पैसा नहीं होगा उनके पास इसलिए वो नहीं जा पा रहे। तो 30 ईयर अभी पापा मेरे रिटायर हुए हैं लेकिन वो अपने कार में नहीं रहे, वो बचाते रहे कि इमरजेंसी फंड इमरजेंसी फंड, कहे का इमरजेंसी मुझे वो लाइफ पसंद नहीं था और मैंने डिसीजन लिया। एस ग्रुप में जो होते हैं आप लीवरेज ऑफ टाइम नहीं रहता है, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, आप सिर्फ अपने टाइम को यूज करते रहते हैं और उससे सिर्फ पैसा मिलता है, जितनी देर आपका दुकान खुला रहेगा आपको उतना ही देर पैसा, राइट? ये सेल्फ एम्प्लॉयड मेन मजा है दोस्त, बिजनेस ओनर जिसमें 8% आप लोग हैं, आप लोग ग्रुप्स ऑफ ज्वाइन करके और सीख के इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर सिस्टम देन यू आर इन द बी क्वाड्रेंट। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम को बिल्ड कीजिए, आप इंप्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है कि दुकान खोलें और दुकान बंद कर दें, यहां नहीं आए हैं आप तो सीखने आए हैं सिस्टम कैसे बनाना है, राइट डियर? यस सर। तो मैं आप सबको और मैं चाहूंगा आप अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं कि आप बी क्वाड्रेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप समझ जाते हैं। बिजनेस ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस, और बिजनेस ओनर का मतलब होता है हमारे लिए हमारे साथ कुछ और लोग भी काम करते हैं, राइट? यस सर। 1% इनटू 100 इज इक्वल टू इनकम, यू इनटू पीपल इज इक्वल टू इनकम। अब आइए दोस्त, यू मतलब मैं और पीपल मतलब हम सब, 100 पीपल इनटू यू 100 टाइम्स 200 इनटू यू स्टार्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्ट बी क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। डायरेक्ट बी क्वाड्रेंट में आ जाते हैं बिना नॉलेज का, बिना पास्ट एक्सपीरियंस का, अब बिना रिस्क का। आप सोच के देखिए बी क्वाड्रेंट में आते हैं। अब हम लोग को जो काम करना है दोस्त, डोंट वर्क फॉर द सेल्स, डोंट वर्क फॉर द ज्वाइनिंग, जस्ट वर्क फॉर द बिल्डअप ऑफ योर सिस्टम। पीपल बिल्डअप प्रोग्राम कीजिए, लोगों को बिल्ड कीजिए। पीपल का मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ये फूल बहुत बिल्कुल मत कीजिएगा। यू इंटू पीपल इज इक्वल टू इनकम नहीं, यू इंटू डेवलप पीपल जिसको आप बिल्ड कर चुके हैं, जो आप प्लान करने लगा है, जो फॉलोअप करने लगा है, जो समझ रहा है इस सिस्टम को, वो पीपुल है। अब वो एक बंदा, अब आप कैलकुलेट करके देखिए, एक बंदा 10 प्लान किया, 10 बंदे आ गए, 10-10 प्लान कर रहे हैं, आपके नीचे डेली 100 प्लान होने लगा, राइट? यस सर। आपकी टीम 100 की हो गई
और सब दस दस प्लान कर रहे हैं और वे हजार प्लान हो रहे हैं, यानी अगर 100 पे 20 रिजल्ट तो 1000 पे 200 रिजल्ट, यानी एवरी डे आपका कितना माइल्स आप देखिए, माइल्स पैसा तो इतना आएगा ना, सिस्टम बिल्ड कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं ज्वाइनिंग के पीछे मत भागो, दो माइंड सेटअप करो कि मुझे बिल्ड करना है बिजनेस, सिस्टम फॉलो किए, प्लान हुआ इसका 3 बार फॉलोअप हुआ है कि नहीं हुआ, मेंटेन द सिस्टम, चेक द सिस्टम, नहीं हुआ है एरर बैठते सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे तो टिन टिन बजते रहता जब तक सीट बेल्ट नहीं लगा। माय डियर फ्रेंड, अगर जैसे ही दिखे कि इसका फॉलोअप नहीं हो रहा है, रिमार्क्स दिखो क्यों नहीं हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल लर्न यू, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। आप कैसे सोच सकते हैं दोस्त किसी प्लान कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, कैसे सोच सकते हैं आप ये सोचने का गलती कैसे कर सकते हैं आप, और हमें से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, वो क्या सोचेगा, घंटा ना सोचेगा, अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तब क्या सोचेगा, मुझे ये डर लगता है कितना गधा आदमी प्लान किया था, दूसरा बार मिलने भी नहीं है। आज मुझे कोई बताता है मेरे पास भी आते हैं ना बहुत सारे इंश्योरेंस वाले लोगों का, तो मैं चेक करता हूँ, टाइम नहीं देता हूँ, अच्छा ऐसा कर बेटा कल 4 बजे फोन कर, मैं 4 बजे में फ्री नहीं हूँ, कल 4 बजे फ्री, अगर वो 4 बजे फोन कर दिया तब तो फिर उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया, अगर 5 बजे किया मैं उसको खड़का देता हूँ, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, 4 बजे का टाइम दिया था 5 बजे कर रहा है, फॉलो द सिस्टम, तूने मुझे लूज कर दिया, कम से कम सीख तो जाए। अगर आप किसी को टाइम दिए 4 बजे का और आप आराम से पहुंच रहे 5 बजे, मेरे जैसा बंदा तो आपसे नहीं जुड़ेगा, और आप ढूंढ कैसे रहे, गधा को या घोड़ा को, घोड़ा तो टाइम पे मिलेगा, गधा हमेशा मिलेगा। तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा ना, आपको क्या लग रहा है तो खाली पे होगा ना, कहाँ जाएगा, जैसे ही पहुंचो ना जब भी एक बार लेट हो गए ये मत कहना, पता चला दिन भर डेचू डेचू ही करते रह गया। यार इनको कितने लोग ऐसे इस कैटेगरी में डेचू वाले जो टाइम लेके लेके पहुंचते हैं, तू देना है इधर मेरा सब तेरे को देते हंसने लगा। बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि मैं शुरू में गधा था, आराम से जाता पानी पूरी भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, कुछ गिर भी गया सर पे, मुझको क्या था, और बहुत मस्ती करता था, और फिर बाद में आपको उसी को गाली दो, देखो साला को बुलाया था, था नहीं, ये नहीं बोला कि मैं 5 बजे गया, मैं उसी का गलती निकाल रहा हूँ, बुला के नहीं रहता है कोई भाई, आधा घंटा तो कोई भी इंतजार करता ना ट्रैफिक के आने जाने पर, उसको क्या लेना देना है आपके मतलब से, यू हैव टू प्रॉम। तो अगर आप बिजनेस कैटेगरी में है तो ये सभी गुंजाइश नहीं आ रही, राइट माय डियर फ्रेंड, दे आर यू इनटू पीपल इनकम, यू ओन ए सिस्टम, देखिए हम लिखा हुआ है, मैं कब से सिस्टम बात कर रहा हूं ना, यू ओन ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू, कौन सा पीपल आपके लिए काम करे सबसे ज्यादा फायदा है, जो सिस्टम से काम करे, तो अभी हम जब सिस्टम से काम करेंगे तभी तो मेरे पीछे सिस्टम वाला फायदा होगा, नाइजीरिया में पैदा तो नाइजीरियन जैसा ही होगा ना, बच्चा चाहता है तो यार इंग्लैंड में आ, तू चाहता है कि मेरा बच्चा घोड़ा और अपने हैं नाइजीरियन, जो भी था नाइजीरियन बच्चे को ले आता था, जल्दी बच्चा कहां से लाता, दूसरा अगर खुद पहला तो उसका। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप चीज समझिए, आप अपने आज आप जो है आपके नीचे ठीक हूबहू पैदा होगा, अगर आप गोल्डन लिपस्टिक लगा रहे
लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बी क्वाड्रेंट में है तो बी क्वाड्रेंट जैसा काम कीजिए। पीपल इज इक्वल टू मनी, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से ये बात से सोचिएगा। हम लोग के सब लोगों ने समझाया टाइम इज इक्वल टू मनी, हमारे फादर ने हमें समझाया, हमारे टीचर ने हमें समझाया, समय मूल्यवान है, समय ही पैसा है। ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? लेकिन दे ऑल आर एम्प्लॉयड, मेरे फादर भी इंप्लॉय, मेरे फादर के फादर भी इंप्लॉय, उनके भी फादर इंप्लॉय, तो वही ज्ञान चला आ रहा है। दोस्त, हम अब अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, हम ये सिखाते हैं पैसे से पैसा बनाना है, वो मैं सिखा रहा हूं। पीपल इज इक्वल टू मनी फॉर यू पीपुल, इसलिए लोगों से एक्सेप्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, लोगों से अपना दोस्त बनाइए। और जब आप ये करने लगेंगे दोस्त, फिर देखिए मजा बिजनेस का। तो यहां से आने के बाद आपके जितने डाउनलाइंस हैं, जाके उनको गले लगाइए, थैंक्स बोलिए, यार तू ही तो मेरा हीरा मोती सोना है। वो एक्चुअल में आपका पैसा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे एडजस्ट कीजिए और सबसे बढ़िया उसका डेली अप्रिशिएट कीजिए। आज तो तू कल से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा साबुन लगाया सावासी दीजिए, राइट माय डियर फ्रेंड? यस सर। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दिस विल चेंज योर बिजनेस। मैं बस थोड़ा सा और समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्लीज चेंज द स्लाइड। आई वाला मैं, आप जब थर्ड क्वार्टर सेशन राउंड पार्ट कर जाएंगे फिर मैं बताऊंगा आपको।